दोस्तों इस तरीके से बेसन की सब्जी बनाएंगे तो सभी तारीफ़ करेंगे, बहुत टेस्टी और चटपटी बनती है। इसको बनाना भी बहुत आसान है और ये झटपट में बन जाता है और इसका बनाना कुछ अलग है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना बढ़िया बन के आया है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे प्रोफाइल को फॉलो करें, यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें डेली नया रेसिपी देखने के लिए दोस्तों। तो ऐसे ही देखिए, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए मैं 100 ग्राम बेसन ले ली हूँ पहले से दोस्तों। इसमें दो चम्मच प्याज बारीक कटा हुआ डालूँगी, बाकी का प्याज मैं तड़के में डालूंगी। 2 चम्मच इसमें मैं डालूंगी टमाटर कटा हुआ। एक बार इस तरीके से बनाएं, बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों। एक अलग ही फ्लेवर होता है आपका सब्जी का। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर दोस्तों, 1/2 से छोटा चम्मच इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, और उसके बाद ये बहुत सारा धनिया डालेंगे, और ये 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे इस, और स्वाद अनुसार नमक। इसका हम अच्छा सा घोल बना लेंगे, अब बहुत अच्छा होता है। तो घोल बनाने में क्या करना है, ना गाढ़ा ना पतला, एकदम बैटर बनाना है, जिस तरीके से हम ढोकला वगैरह का बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाना है दोस्तों। ये ढोकला ही जैसा जालीदार होगा। इसमें 1 चुटकी मैं डाली हूँ बेकिंग सोडा, इससे क्या होगा कि एकदम फ्लफ़ी होगा दोस्तों। तो ऐसे ही खूब देर तक फेंटेंगे ताकि इसमें बीच में बिल्कुल लंस नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही इसको आराम से चलाएंगे, और एक ग्रीस किया हुआ थाली जिसमें कोई भी ऑयल लगा के, तो छोटा एक साइज थाली है उसी में मैं डाल दूँगी, और इसको हम स्टीम कर लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये तैयार हो जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है। ये पानी खोल रहा है इसलिए मैं दिखा दे रही हूँ, इस पर मैं डाल दूँगी, 15 से 20 मिनट में ये तैयार हो जाएगा दोस्तों। इसको ढक देंगे और कुछ नहीं करना है। तो ये देखिए ऐसे ही घूमते घूमते बन जाता है, बहुत टेस्टी रेसिपी है। तो ये देखिए, ये 15 से 16 मिनट होने वाला है, 2 से 3 मिनट और करेंगे उसके बाद हमारा ये होके तैयार हो जाएगा। तो देखिए चाकू थोड़ा भी लग नहीं रहा है, इसको ठंडा करके इसको हम पलट देंगे, पलट के पीस में कट कर लेंगे, बहुत आसानी से कट जाता है दोस्तों। ऐसे ही देखिए कितना फ्लफ़ी है, चाकू डालने पे पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना हुआ है और एकदम जालीदार बना हुआ है दोस्तों। जैसा आप टुकड़ा डालना चाह रहे हैं, तो पनीर साइड में क्यूब काट दे रही हूँ मैं दोस्तों, ऐसे ही काट के इसको हम साइड कर लेंगे, और बाकी का ग्रेवी का मैं दिखाऊँगी कि कैसे मैं ग्रेवी बना रही हूँ। मैं ये भी करके दिखा रही, देखिए कितना बढ़िया बना है। इसको ऐसे इसको फ्राई करके भी खाया जा सकता है, बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। ये देखिए कितना बढ़िया, तो इसमें भेजिस भी पड़ गया है, तो और ये लंच में भी बच्चों को आप इसको फ्राई करके दे सकते हो। तो इसको हम एक साइड में करके रख देंगे दोस्तों। ये देखिए कितना बढ़िया, फिर जाके हम इसका ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी कुछ अलग है दोस्तों, लेकिन है मज़ेदार। आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग अपने घर में अच्छे से बना लें। 3 चम्मच फ्रेश दही है दोस्तों, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर जाएगा, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर जाएगा, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, और ये जो है 1 छोटा चम्मच है मैगी मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं इसमें 1 चम्मच डालूँगी, और तब जाके ये बनके तैयार होगा। तो ऐसे ही इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट पीस के तब हम डालेंगे। तो देखिए डाल दिए 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको अच्छे से हम मिला के इसको फूलने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि हमारा ग्रेवी बहुत अच्छा बनेगा। मसाला जब फूल जाता है तो ग्रेवी बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों, और देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसको अच्छे से मिला लें ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे, इसको साइड कर लें। उसके बाद चलिए हम तड़का लगाते हैं दोस्तों। तो इसको हम कढ़ाई पे हाई फ्लेम है और इसको हम मीडियम कर देंगे। अब इसमें डालें 2 चम्मच सरसों तेल, मेथी, जीरा, तड़का एक एक चीज़ आप लोग देखिएगा, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता, बस इतना में ही बहुत टेस्टी वाला बन के तैयार हो जाएगा। इसको अच्छे से हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, उसके बाद इस सोधा सोधा खुशबू आने लगेगा, तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। तो मैं पहले से 2 मीडियम साइज का प्याज कट की थी, 2 से 3, तो जिसमें हम थोड़ा सा डाले हैं उसमें ढोकला बनाने में बेसन का जो बनाई हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा सा जब ब्राउन होगा तो ये हम इसमें डाल देंगे घोला हुआ मसाला। मसाला डालने के बाद 2 से 3 मिनट हम चलाएंगे दोस्तों। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर कटा हुआ, तो टमाटर भी मात्रा में 2 है दोस्तों। इसको हम अच्छे से
चलाएंगे, स्वाद अनुसार पहले नमक डालेंगे और उसके बाद इसको ढक के 3 से 4 मिनट हम पकाएंगे ताकि अच्छे से सब मसाला टमाटर सब पक जाए, तब जाके हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। दोस्तों एक एक चीज़ आप लोग फॉलो करेंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट बाद ये आधा से अधिक पक गया है, इसको 2 से 3 मिनट और हम ढक के पकाएंगे दोस्तों। लेकिन इसको ऐसे ही कल जो पलटा है उससे थपथपा देंगे तो ये टमाटर जो है उसमें एकदम मिल जाएगा ग्रेवी में। टमाटर को पीस के भी आप डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच नमक है स्वाद के अनुसार दोस्तों। तो अब टमाटर जल्दी हमारा पक जाएगा ऐसे ही, तब जाके इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि नीचे का तल ना पकड़े। अब गैस का फ्लेम एकदम धीमा कर देंगे दोस्तों ताकि नीचे से पकड़े ना और मसाला हमारा अच्छा से पक जाए। तो ये 3 से 4 मिनट बाद आप लोग देख सकते हैं तेल ऊपर हो गया है, मसाला नीचे। इस स्टेज पे हम डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला दोस्तों। ये मसाला मैं घर पे बनाती हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब और फेसबुक पे, जाके आप लोग देख सकते हैं। तो इसको ऐसे ही थपथपा देंगे और 2 से 3 मिनट और पकाने के बाद इसको हम ग्रेवी खौला लेंगे दोस्तों। तो 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे ढकने के बाद कि ये देखिए एकदम मसाला बन के तैयार हो गया है। ये पैन देखिए नीचे से एकदम हो गया है, छोड़ दिया है और ऊपर तेल हो गया है। तो इसका मतलब कि अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो पानी मैं 300 ग्राम डाल रही हूँ इस स्टेज पे। दोस्तों ग्रेवी कम और ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं जैसा खाना हो। तो मैं ग्रेवी वाला बना रही हूँ, लटपटा ग्रेवी वाला, पतला ग्रेवी वाला नहीं दोस्तों। जब इसमें उबाल आएगा तब इसमें हम क्यूब डाल देंगे, जो बेसन का ढोकला का क्यूब बनाए हैं। तो ये अलग ही बेसन की सब्ज़ी है दोस्तों, जो कि आप लोग देख सकते हैं बहुत चटपटी बहुत टेस्टी होती है। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें, ये सभी को बहुत पसंद आएगा। तो ऐसे ही करके बस इससे इसको 1 मिनट खौलाना है, ज़्यादा नहीं खौलाना है, और इसको अच्छे से पका लेंगे और उसके बाद सर्व करेंगे दोस्तों। इसको आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं, तो मैं फ्राई नहीं की, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। तो काहे का फ्राई करें, फ्राई करके भी आप लोग बना सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए सुपर टेस्टी बेसन की सब्ज़ी बनके तैयार है, एक अलग ही तरीके का। कमेंट में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा, फिर दूसरा वीडियो देखने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।